हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वंस अगेन आई एम हियर अभिषेक तिवारी एंड जस्ट आई एम सेंडिंग यू द वेरी फिफ्थ वीडियो, द वेरी नेक्स्ट वीडियो, द फोर्थ वीडियो ऑफ योर लेसन थ्री ऑफ योर स्नैपशॉट विच इज़ रंगाज मैरिज बाई मस्ती वेंकटेश अय्यंगर। स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपके लिए आज फिर से एक नेक्स्ट वीडियो, फोर्थ वीडियो लेकर के हाजिर हूँ, जहाँ पे हम रंगा की मैरिज को स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे रंगा की मैरिज एक यू नो कई प्रोसेसिंग होती है रंगा की मैरिज को लेकर के, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ओवर देयर, हाउ नरेटर यू नो ट्राइड टू लेट यू नो रत्ना एंड रंगा इंगेज इन अ मैरिज बॉन्ड, वो हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ से यू नो लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा कि कैसे रंगा ने नरेटर ने जो है रंगा और उसको मिलाने के लिए अपने घर पे एक प्लान किया, ठीक है, जहाँ दोनों आते हैं और रंगा पहली बार जो है रत्ना को देखता है, ओके, उसकी सिंगिंग को सुनता है, ही गॉट फैसिनेटेड बाई हिज हर सिंगिंग एंड ऑल्सो बाई हर स्वीट फेस। राइट नाउ द अदर अटेम्प्ट्स व्हाट ट्रिक्स अदर ट्रिक्स दैट नरेटर प्लेड फॉर इट यू हैव जस्ट टू फॉलो मी राइट हियर। ओके, आगे क्या होता है उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ओके, फ्रॉम हियर रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस। अब उसके बाद क्या होता है कि रत्ना जो है शर्मा करके अपना गाना बंद करके एक डिस्टेंस पे खड़ी हो जाती है, हर हेड लोअर्ड, उसका सिर झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली यू नो ग्लैंस एट हर, रंगा लगातार उसको देखे जा रहा था। वंस आवर आईज मेट, एक बार जब हमारी आँखें मिली, ओके, एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरस्ड, तो वो बड़ा ही, जब एक बार मैंने देखा और मेरी नज़रें उससे मिल गई तो उसे बड़ा ही असहज महसूस हुआ, एम्बेरस फील किया उसने अपने आप को, ठीक है, एम्बेरस मतलब असहज अपने आप को फील किया। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, कोई भी दोनों में से किसी ने भी लंबे समय तक बात नहीं किया, दोनों ही चुपचाप रहे लगभग। सो इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव, रंगा कहता है कि इट वॉज़ माई कमिंग, मेरा आना ही था कि गाना बंद हो गया, ठीक है, सो लेट मी लीव, मुझे अब चलने दीजिए। वर्ड्स, मेयर वर्ड्स, शब्द और केवल शब्द थे ये। द फेलो सेड, ओके, ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव। ओके, जो बगल में था वो कहता है कि यू नो द फेलो सेड ही वुड लीव, कि वह चला जाएगा, बट डिड नॉट मेक अ मूव, ठीक है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुगा। ओके, तो नरेटर कहता है, नरेटर हर बात पे मजाक करता है और कहता है हाउ कैन वन एक्सपेक्ट, कैसे कोई उम्मीद कर सकता है वर्ड्स टू मैच एक्शंस। ओके, वर्ड्स को एक्शन से मैच करने का कैसे कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि लोगों की कथनी और करनी में अंतर ना हो इस कलयुग के इन दिनों में, लोग कथनी और करनी में अंतर ना हो। मींस वो चिढ़ा रहा था रंगा को कि कह के तो तुम कह तो रहे हो कि तुम जानना चाह रहे हो, तुम डिस्टर्ब किए हो, बट तुम्हें एक्चुअली तुम ज़्यादा इंगेज हो इसको देख करके, तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आया, ठीक है। तो इस तरह से वो सोचता है कि वो कुछ न कुछ उसके बारे में प्लान यू नो उसको कहीं ना कहीं क्रिटिस एक तरह से सार्कास्म क्रिएट करता है। ओके, एंड देन आफ्टर यू नो रत्ना रैन इनसाइड, रत्ना दौड़ के अंदर चली गई, ओवरकम बाई साइनस, शर्म से भरते हुए वो अंदर की ओर भागी। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद रंगा आस्ट, रंगा ने पूछा हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, उसने उससे पूछा, उसका नाम जनरली स्वामी था नरेटर का, तो उसने कहा स्वामी हु इज़ दैट गर्ल, कि ये लड़की कौन है। ओके, सो आफ्टर दैट यू नो हु इज़ दैट इनसाइड, कौन ये अंदर, कौन ये अंदर, अंदर कौन था। द लॉयन वॉन्टेड टू नो, मीन्स अब फिर नरेटर मजाक में कह रहा है कि अब जो लॉयन था ये शेर फिर से जानना चाहता था कि अंदर कौन भागते हुए गया। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड। ओके, ही गोट मीन्स वो अपने आप कहता है कि ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर, जिसने शरण ले रखी थी टेम्पल में, मंदिर में, वो रिप्लाई करता है डज इट मैटर हु आई एम, क्या ये मैटर करता है कि मैं कौन हूँ। आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लॉयंस, वो कहता है ऐसे मजाक करते हुए कहता है कि मैं वो बेचारा सा जानवर हूँ जो 9 टाइगर्स को खा चुका है।
ठीक है, मीन्स अभी तक 9-9 लोगों की शादी में करा चुका हूँ। कहता है कि ये इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है, क्या इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ? ठीक है, मुझे जान लो कि मैं वो जानवर हूँ, मैं वो बेचारा जानवर हूँ, गरीब जानवर हूँ, वो बेचारा जानवर हूँ, ठीक है, जिसने अभी तक 9-9 टाइगर्स को खा लिया है, लायंस को खा चुका है। आई हैव वोव्ड टू ईट वन मोर, और मैंने कसम खाई है कि मैं एक और खाऊंगा, मतलब एक और की शादी करा के फंसा के ही रहूंगा। ओके, इस तरह से उसने कहा, वो इनडायरेक्टली बोल रहा था उसको, टेल मी आर यू मेल और फीमेल, कहता है कि आप मुझे बताओ कि तुम मेल हो कि फीमेल हो। द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर, वो जो लायन मतलब कि जो रंगा होता है वो अपना स्थान डर के मारे छोड़ देता है, इट सीम्स असल जैसे वो डर के मारे अपना जगह छोड़ दिया। लाइक द ही गोट आई सेड, ओके, उस ही गोट की तरह ही मैंने कहा, वट डज़ इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज़, ठीक है, वो कहता है वट डज़ इट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है हम दोनों, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है, ठीक है, उसके क्वेश्चन का आंसर देता है कि हम दोनों क्या फ़र्क पड़ता है कि वो लड़की कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, ओके, कहता है कि आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं पहले से ही मैरिड हूँ, उस तरह से कहता है कि उसके लिए कहता है कि मैं पहले से ही हुआ, वो पहले से ही मैरिड है और तुम शादी वाले टाइप के हो नहीं, तुमको तो शादी करनी नहीं है, ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या मतलब है इसको पूछने का कि वो है कौन। ओके, सो वेरी होपफुली ही आस्क्ड, बहुत ही उम्मीद से उसने पूछा, सी इजंट मैरिड देन, ना कि वो अभी तक मैरिड नहीं है, तब वो क्वेश्चन पूछता है। हिज वॉइस, मतलब रंगा ऐसे पूछता है, हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, और जिस लहजे में जिस वॉइस में वो पूछता है उसका जो बिट्रे है मतलब धोखा होता है, जो उसकी एक्साइटमेंट थी उसकी आवाज़ उसको धोखा नहीं दे पाई, बट आई न्यू इट वॉज देयर, लेकिन मैं समझ गया था कि इसमें उसकी आवाज़ में कुछ न कुछ तो था, मतलब कुछ तो उसके आवाज़ में, मतलब कुछ न कुछ उसके प्रति था, उस लड़की के प्रति था, जानने की जो जिज्ञासा थी। शी वॉज मैरिड अ ईयर एगो, झूठ बोलते हुए नेडर ने कहा कि उसकी तो एक साल पहले ही शादी हो गई। हिज फेस रिवील्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, ओके, यह सुन करके रंगा का फेस ऐसे जल गया जैसे लगता है कि कोई रोस्टेड, जैसे भुना हुआ सा कोई ब्रिंजल हो, अदरक हो, सॉरी यू नो उसको हम कह सकते हैं ब्रिंजल है कोई की बैगन हो, ऐसा उसका चेहरा जो है जला भुना सा रह गया, जिससे चिप चेहरे का रंग उतर गया, जैसे कि ये सुनकर कि वो मैरिड है, जैसे कोई ब्रिंजल का रंग रोस्ट करने के बाद उतर जाता है। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद, रंगा लेफ्ट सेइंग, रंगा यह कहते हुए वहाँ से चला गया, आई मस्ट गो, मुझे चलना चाहिए, आई हैव वर्क एट होम, मुझे कुछ काम है घर पर, मुझे अब चलना चाहिए। ओके, आई वेंट टू आर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह मैं अपने शास्त्री के पास गया, शास्त्री मीन्स ज्योतिषी के पास, एंड टोल्ड हिम, और मैंने उससे बताया, ओके, मैंने उससे कहा, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, ना नक्षत्रों को पढ़ने के लिए हर चीज़ तैयार रखिए, आई विल कम लेटर, मैं कुछ समय के बाद आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, ओके, मतलब नरेटर ने कहा कि मैंने उस शास्त्री को सब कुछ पढ़ा दिया जो कुछ भी मैं उससे कहलवाना चाहता था, ना उसने शास्त्री के साथ कुछ प्लान किया और फिर वो शास्त्री के पास जो है, शास्त्री से कहता है कि जो चीज़ मैंने तुमसे कहा है तुम्हें वही चीज़ बोलनी है बस, ठीक है, इस तरह से उसने जो है उसको रिप्लाई, उसको सब कुछ पढ़ा लिखा दिया कि जो मैं कहा हूँ वही तुमको वहाँ, जब मैं उसको लेके आऊँगा रंगा को, तो तुमको यही सब बोलना होगा। ओके, सो आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम आफ्टर दैट आफ्टरनून, जब उस दोपहर में रंगा से दोबारा मिला तो मैंने पाया कि रंगा के चेहरे पे कोई भी जो है ना चेंज नहीं था, जैसा कि वो मुझे छोड़ के गया था उसके चेहरे का रंग वैसे ही बना हुआ था। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, ओके, आई सेड, नरेटर गया और पूछता है कि क्या मामला है, तुम थोड़े से उड़े उड़े से लग रहे हो, खोए खोए से लग रहे हो, नथिंग रॉन्ग, ओके, बिलीव मी, रंगा कहता है, अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं, विश्वास करिए कुछ भी नहीं है, हेडेच, सर दर्द हो रहा है, कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर, नरेटर कहता है कि अगर सिर दर्द हो रहा हो तो चलो और चल के तुमको एक डॉक्टर दिखा देते हैं। ओके, आई हैव नो हेडेच, मुझे कोई सिर दर्द नहीं है, आई एम माई यूजुअल सेल्फ, मैं अपने खुद के विचारों में था और कोई बात नहीं है। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, ठीक है,
आई वेंट थ्रू, नरेटर कहता है आई वेंट थ्रू द सेम थिंग, मैं उन सब चीज़ों के साथ गुजरा व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन। वो कहता है नरेटर कि ये सब चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी, जब मुझे एक लड़की चुननी थी विवाह के लिए तो मेरे साथ भी सब चीज़ें ऐसे ही घटी थी, बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। पर नरेटर कहता है बट आई डोंट थिंक, पर मैं नहीं समझता कि दैट कुड बी अ रीज़न, कि ये कोई कारण हो सकता है फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, तुम्हारी जो वर्तमान कंडीशन है इसके लिए ये कोई कारण हो सकता है, मैं ये नहीं समझता, नरेटर ने ऐसे कहा। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मुझे जो है घूर के देखा। ओके कम लेट्स गो टू सी शास्त्री, नरेटर कहता है, उसको सजेस्ट करता है, उसको सजेशन देता है कि आओ चलते हैं और शास्त्री से मिलते हैं। ओके वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु और शनि आर फेवरेबल फॉर यू आर नॉट, और हम चल करके वहाँ खोजेंगे कि तुम्हारा गुरु और शनि जो है तुम्हारे फेवर में है कि नहीं है। तो ये चीज़ नरेटर ने कहा और उसको लेके गया। रंगा एकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के रंगा ने मेरे साथ चलना एक्सेप्ट कर लिया। एज सून एज शास्त्री सॉ मी, जैसे शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड, वह बोल पड़ा, व्हाट अ सरप्राइज, क्या आश्चर्य है श्यामा, हैवेंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। और नरेटर को देख करके ज्योतिषी जो जिससे कि वो कल मिला हुआ था कहता है, अरे श्यामा तुम बहुत दिन हो गए, तुमको देखा नहीं, ठीक है, इस तरह से जो है बहुत दिन से तुमसे मिला नहीं, ऐसे बोलता है वो उसको, जिससे उसको ना लगे कि ये कल ये लोग मिले हुए हैं। श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट, द नरेटर ऑफ दिस टेल। ओके नरेटर कहता है कि अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है श्यामा को जानने में, तो श्यामा कोई और नहीं वो बल्कि मैं ही हूँ, इस कहानी को बताने वाला, आपका नौकर, आपका गुलाम, इस कहानी को बताने वाला। तो वो नरेटर इस तरह से बोलता है। ओके आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, मैं गुस्सा हो गया और चिल्लाने लगा। ओके वॉट, क्या, ओनली दिस मॉर्निंग, केवल इसी सुबह, शास्त्री कंप्लीटेड बाई माई सेंटेंस, शास्त्री ने मेरे सेंटेंस को कम्प्लीट किया। You finished all your work and are now free to visit me. उसने कहा अब तुम you finished all your work, तुमने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है, and are now free to visit me, और अब तुम free हो मेरे पास मेरे यहाँ आने के लिए। Had he not done so, क्या उसने ऐसा नहीं किया था, he would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. Okay, he had not done so, उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है, ही हैड नॉट डन सो, वो ऐसा नहीं किया था, आई वुड हैव रूइंड आवर प्लान, ठीक है, हम अपना प्लान बर्बाद कर देंगे बाई ब्रस्टिंग लाइक ग्रेन्स, जैसे ये ना बोल रहा था कहीं हमारा प्लान गड़बड़ चौपट ना हो जाए, दैट आर वेरी केप्ट इन द सन टू ड्राई, जो कि सूरज में ढक रखा हुआ, जिसे सूखने के लिए रखा गया हो, इस तरह से। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल, मैं बहुत सावधान था, वट आई सेड आफ्टरवर्ड, मुझे क्या कहना था बाद में उसको लेकर के मैं बहुत सावधान था। ओके तो इस तरह से जो है शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ मुड़ा। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, और फिर मुड़ते हुए पूछता है कि व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, हमारे अकाउंटेंट का जो नौजवान लड़का है ये घर कब आया, What can I do for him? हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ओके मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। It's very rarely that he visits us, बहुत कम ही होता है जब ये मेरे पास आता है। Take out your paraphernalia, ओके फेरनलिया means अपनी paraphernalia, मतलब होता है कि जन्मपत्री वगैरह, ठीक है, कि अपनी जन्मपत्री निकालो। Our Rangappa seems to have something on his mind, ऐसा लग रहा जैसे रंगप्पा कुछ अपने दिमाग में सोच रहा था। Can you tell us what's worrying him? क्या आप बता सकते हैं कि इसको क्या परेशान किए जा रहा है, नरेटर ने पूछा ज्योतिषी शास्त्री से। Shall we put your science of astrology to the test? क्या हम तुम्हारे science of astrology, तुम्हारे नक्षत्रों के विज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको टेस्ट करने के लिए कि हमारे रंगा को क्या परेशान किया जा रहा है। There was authority, okay? There was authority in my voice as I spoke to Shastri. जब मैं शास्त्री से ये बातें बोल रहा था तो मेरी बातों में आदेश था, ठीक है, वो आदेश जो
मैंने आदेश देते हुए इस तरह से कहा जिससे कि वो समझ जाए शास्त्री। ही टुक आउट टू शीट्स ऑफ पेपर, वो दो शीट ऑफ पेपर निकालता है शास्त्री। सम कावरीज, कुछ कौड़ियाँ निकालता है। बुक ऑफ पालमेरा लीव्स, एक पालमेरा लीव्स की पत्तियों की एक बुक निकालता है। सेइंग, यह कहते हुए, आवर्स इज एन एंशियंट साइंस, कि हमारा तो एक पुराना साइंस है। अन्ना, ठीक है, कि हमारा तो एक पुराना साइंस है। देयर इज़ अ स्टोरी टू इट, इसकी अपनी एक कहानी है। बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन मैं आपको वो कहानी अभी नहीं सुनाऊंगा। दिस इज़ नॉट अ हरिकथा, ये कोई हरिकथा नहीं है। विच अलाउ यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, ना कहता है कि ये कोई हरिकथा नहीं है जो अलाउ करता है मुझे कि एक कहानी की दूसरी कहानी सुना दूँ, तो ये वो स्टोरी नहीं है। यू मे गेट बोर्ड, आप बोर हो सकते हो, आप ऊब सकते हो। आई टेल इट टू यू सम अदर टाइम, किसी और समय आना तो मैं आपको ये कहानी दोबारा सुनाऊंगा, ठीक है। इस तरह से नैरेटर जो है वो कहता है, ठीक है, मतलब कि शास्त्री कहता है, ठीक है, शास्त्री कहता है इस तरह से। तो ये हो गया स्टूडेंट आज का लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और दूसरों को शेयर करते रहिए जिससे कि ये वीडियो और अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंच सके। सो दिस इज़ व्हाट द टुडेज एक्सप्लेनेशन। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।